यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की कोरबा यूनिट ने कुदुरमाल के पास एक दिवसीय ट्रैकिंग और ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किया। विभिन्न क्षेत्रों से एसोसिएशन के सदस्य ने भाग लिया। ट्रैकिंग के दौरान सदस्यों को महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। कार्यक्रम के समापन अवसर पर सभी प्रतिभागियों को अतिथियों के द्वारा प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। साहसिक और रोमांचक गतिविधियों को बढ़ावा देने के साथ प्रकृति की चिंता करने के लिए यूथ हॉस्टल राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहा है। एसोसिएशन की कोरबा इकाई पिछले कई दशक से काम कर रही है। इकाई की ओर से एक दिवसीय ट्रैकिंग और ट्रेनिंग प्रोग्राम कुदुरमाल में नदी के आसपास किया गया। प्रतिभागियों ने इस कार्यक्रम को उत्साह के साथ संपन्न किया। इस कार्यक्रम में बच्चों के अलावा संगठन के वरिष्ठ सदस्यों ने भी भागीदारी की। और लेंगे सर। ट्रैकिंग के बाद मंचीय कार्यक्रम हुए। सदस्यों ने इस दौरान गीतों की शानदार प्रस्तुति दी। यूथ हॉस्टल के चेयरमैन संदीप सेठ ने संगठन के कार्यों की जानकारी दी। प्रशिष्ट नाही संग था तुम्हारा, हमारा हमारा तुम्हारा। जाओ बेटी खुश रहना, ले लो आशीष हमारा। आप यूथ हॉस्टल है, आप इंडिया में कहीं पर भी रुक सकते हैं, फॉरेन भी जा सकते हैं। इसके अलावा यदि आप कोरबा में या छत्तीसगढ़ में भ्रमण करते हैं तो हमने 17 जुलाई 2022 में छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के साथ एक एमओयू हुआ है। आप लोगों को शायद मालूम भी होगा, देखे होंगे ग्रुप में, और नहीं भी मालूम है तो एमओयू होने के साथ में ये बेनिफिट है कि कोई भी यूथ हॉस्टलर जो नॉर्मल आप मेंबरशिप लेते हैं उससे छत्तीसगढ़ के जितने भी होटल्स मोटल्स टूरिस्ट रिसोर्ट जितने भी हैं आप उसमें 30% डिस्काउंट लेकर के आप वहां पर रुक सकते हैं। कार्यक्रम की अतिथि डीएसपीएम के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बीडी बघेल, ग्रैंड एशिया न्यूज के संपादक कमलेश यादव और पत्रकार तरुण मिश्रा ने इस अवसर पर अपनी बात रखी। उन्होंने आपसी मेलजोल को बेहतर करने और बाहरी दुनिया को समझने के लिए ऐसे कार्यक्रमों की उपयोगिता को स्पष्ट किया। साथ ही ट्रैकिंग का आप लोगों ने एंजॉय किया। ट्रैकिंग में सभी लोग गए, चले और वापस आए, उससे आप लोगों ने एक अलग ऊर्जा, नया ऊर्जा प्राप्त किए होंगे। और आप लोग सभी ऐसे ही कई कार्यक्रमों में आते रहें, शामिल होते रहें और खुशियां बांटते रहें और खुशियां समेटते रहें। तो आप लोग जो काम कर रहे हैं, कोरबा ही नहीं, छत्तीसगढ़ी नहीं, पूरे देश में एक दूसरे के साथ मिलकर के जो श्रृंखला तैयार की जा रही है न केवल राष्ट्रीय हित के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, बल्कि हम सबों को जो स्थानीय स्तर पर एक दूसरे के साथ उठते बैठते हैं, हम दोहरा लाभ प्राप्त करते हैं। एक तो आपस में मिलते हैं इस तरह के कार्यक्रम के जरिए, या बाहर कोई हमारा और भी आयोजन होता है उसमें हम एक साथ होते हैं, और इसके साथ राष्ट्र निर्माण में भी हमारी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो जो लोग यूथ हॉस्टल के जरिए अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, अपने आप को पुष्ट कर रहे हैं, देश को सबल बनाने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, उनको बहुत बहुत साधुवाद। यूथ एसोसिएशन को मैं काफी समय से जान रहा हूँ और इसी गतिविधियों से भली भांति परिचित हूँ। यूथ हॉस्टल खासतौर पर प्रकृति, पहाड़, जैव विविधता और ऐसे सभी सरोकार जो प्रकृति से सीधे जुड़े हुए हैं उसके लिए काम करता है, और इसके माध्यम से हम सब जान पाते हैं कि प्रकृति हमारे लिए महत्वपूर्ण कितनी है और हमारी उसके लिए क्या कुछ भूमिका होनी चाहिए। बीते वर्षों में यूथ हॉस्टल ने काफी अच्छे काम किए हैं। कार्यक्रम के अंतर्गत सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र दिए गए। अगली कड़ी में अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। आयोजन में संदीप सेठ, सतीश शुक्ला, डीबी सुब्बा, शैलेंद्र नामदेव, मनोज मिश्रा, चंदन जोशी, मालती,
शारदा, रीना सहित सदस्यों का योगदान रहा। रणेश न्यूज के लिए पवन तिवारी की रिपोर्ट।